सीबीएसई के 12वीं के बोर्ड में लाखों हजारों छात्रों ने सफलता हासिल की है, लेकिन ब्राउन काइट्स, ओल्ड कफ एंड हाइपर टेंशन बीमारियों से ग्रस्त नेहा मेंदिरत्ता ने परीक्षा पास कर एक उदाहरण पेश किया है। नेहा पिछले करीब दो सालों से हर पल ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जीवित है। बीपीएल परिवार की नेहा का यह कहना है कि अगर इसका सही तरीके से इलाज हो तो वो अपने लक्ष्य में कामयाब भी हो सकती हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और हजारों लाखों बच्चे पास किए हैं। किसी के 90% आए हैं तो किसी के 95% एवव आए हैं, लेकिन हमारे साथ अभी नेहा मेंदिरत्ता है। ये कुछ खास बीमारी से ग्रस्त है, इसके बावजूद इसने सीबीएसई में 52% मार्क्स लाए हैं। अगर आप इनके बीमारी के बारे में जानेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। नेहा, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप किस चीज, क्या है आपके साथ जो आपको पल्मोनरी कच है, और मैं ऑक्सीजन से उसमें ऑक्सीजन, और मेरे को बहुत सुबह तकलीफ होती है और खांसी होती है और ब्लड इसी ऑक्सीजन लेते हैं इससे। यानी आप बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते? 24 आवर्स ऑक्सीजन पे हैं। और आपने एग्जाम दिया, किस तरह दिया, क्या दिखते आई आपको? एग्जाम देने जाते थे, सुबह ही हालत खराब हो जाती थी, पापा ये सिलेंडर लेके जाते थे, फिर लेके जाना, फिर ऊपर रेस्ट करना, बहुत तबीयत खराब हो जाती थी, आधा घंटा एक घंटा ऐसे बीत जाता था। उसके बाद मुश्किल से थोड़ा बहुत एग्जाम आधा पेपर ऐसे करके आते थे। आपके फिर भी 52% मार्क्स आए? फिर भी आए। अगर आप नॉर्मल रहती तो लगता है ये 90 अबव आ सकते, इससे ज्यादा आ सकते थे, 90 अबव आते। तो कभी दिक्कत भी हुई एग्जाम आप देने गई तो? हाँ। किस तरह से आप मैनेज करते इतना बड़ा सिलेंडर और ये सारी मशीनें लेके? पापा लेके जाते थे सिलेंडर, उठा के ऊपर चढ़ाना, फिर पापा मुझे उठा के लेके जाते थे ऊपर छोड़ने, फिर ये सिलेंडर को लगाना, फिर उसको मैनेज करना, फिर साथ साथ उसके एक बार ये सिलेंडर खत्म हो गया था तो वहीं तक तबीयत खराब हो गई थी, फिर पापा भागा दौड़ी करने लगे, मशीन लाने लगे, तब जाके मेरा पेपर हुआ।